हाँ जी कर ली। सुपर फास्ट ठीक है, मतलब इनफैक्ट मैं तो ये ट्राई करता हूँ, जैसे पिछली बार भी बताया था तुम लोगों को कि क्वेश्चन को ही ना हवा में ना उड़ाऊँ, मतलब सॉल्व करके करता हूँ, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक टाइम सा मुझे पता लगे कि तुम लोगों को कितना लगना चाहिए। तो अगर मेरे हिसाब से ये है कि अगर मैंने इसको 34 मिनट्स में किया है, तो आपका अराउंड मतलब 45 मिनट्स 50 मिनट्स में पूरा हो जाना चाहिए ये टेस्ट। तो हाँ शिरवी ठीक है, गुड, 45 मिनट्स लगे थे। आस्था तुमने ज्यादा लगाया थोड़ा टाइम। आस्था अर्षित तुमने भी ज्यादा लगाया टाइम, 1 सवा घंटा तो ज्यादा है। सवा घंटा यार ज्यादा है टाइम। बाकी सब्जेक्ट्स खत्म करने के बाद लगाए 15 मिनट एक्स्ट्रा, 20 मिनट एक्स्ट्रा अर्षित एंड आस्था, या पहले ही फिजिक्स को इतना टाइम लगा दिया? पहले ही लगा दिया। देखो पहले नहीं लगाना चाहिए वैसे अर्षित, तुमने 30 मिनट बाद में। हाँ देखो एक ये होता है कि अगर ना जैसे एक सब्जेक्ट को अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए ना, मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि उसके सारे क्वेश्चन लास्ट वाले छोड़ दिए, अगर 5 रह गए तो 5 के 5 छोड़ दिए, नहीं। क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन को अगर ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगेगा तुमसे नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी तो हो सकता है कि तुम्हारा बाकी टेस्ट बाकी सब्जेक्ट्स कैसे हुए, हो सकता है ठीक हो गए हो, बट दिस वॉन्ट हैपन एवरी टाइम ना। हो सकता है इस 15 मिनट के कारण 20 मिनट के कारण एक्स्ट्रा टाइम जो लगाया दूसरा सब्जेक्ट कोई सफर कर जाए। जनरली मैथ करता है क्योंकि केमिस्ट्री जनरली बच्चों की मतलब केमिस्ट्री इज ऑलवेज स्कोरिंग राइट। तो बाकी अभी तो खैर सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, 3 4 चैप्टर थे, तो ऐसे केसेस में तो कोई भी केमिस्ट्री भी मुश्किल लग सकती है, क्योंकि हो सकता है वही 4 मुश्किल चैप्टर जैसे ऑर्गेनिक पूरी आ जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है केमिस्ट्री का पेपर। एनीवेज डाउट्स करते हैं। हाँ मैथ्स के जैसे 3 4 क्वेश्चन रह गए ना, तो वो इसीलिए अगर पहले इनिशियली टाइम ज्यादा लग जाए ना किसी सब्जेक्ट में, तो हो सकता है कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका सफर करने लगे। हाँ तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू सिलेक्ट क्वेश्चंस वाइजली कि आपको कौन से पहले करने हैं और कौन से बाद के लिए मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ने हैं राइट। तो वो स्ट्रेटेजीज अपनाया करो अपने। हाँ देखो आज तुम्हारे भी अगर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स काफी सफर कर गए तो ऐसा इसलिए एक टाइम एक को ज्यादा मत लगाओ। अच्छा नेटवर्क एरर भी आ गया था तो वो तो गड़बड़ है ही, चलो कोई नहीं। ओके हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया तुम लोगों ने एक बार इसको ट्राई है ना, क्वेश्चंस अपने डाउट्स वगैरह करके आए होगे। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट टू टू डाउट है। गर्व टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू एसोसिएटेड विद दी गिवन हेमिस्फेरिकल सरफेस। अरे गर्व देख इसमें लेट मी राइट इट ऑन स्क्रीन, देखो इसमें आधा है तो इसको पूरा करने के लिए हम इधर से हेमिस्फेयर पूरा करेंगे तो आधी हेमिस्फेरिकल सरफेस में फ्लक्स जो है हाफ जाएगी, 5/2 जाएगी विच इज Q/2 ε₀। इसमें चार्ज बाहर पड़ा है तो इसमें फ्लक्स कितनी होगी, इसमें फ्लक्स होगी 0। इसमें पूरा का पूरा चार्ज अंदर पड़ा है तो फ्लक्स कितनी होगी, पूरी 5 होगी विच इज Q/ε₀। इसमें भी बाहर पड़ा है
तो फ्लक्स कितनी होगी? जीरो होगी, चार्ज बाहर है, एनक्लोज्ड सरफेस से बाहर है। अब इसको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जैसे भी लगाने लगा दो, राइट? ई वाला। अच्छा एक और ऑप्शन है, इसमें भी ये भी बाहर पड़े तो इसका भी जीरो होगा, ई वाले का भी, ठीक है? चलो ठीक है, क्वेश्चन थ्री। फोर फाइव फोर ठीक है सबका। ओके गुड है। जैस्मीन गलत कर दिया बाद में हो गया जैस्मीन, ठीक है ओके करण। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव है दीप। 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड अराउंड सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रिलेटिव टू वी जीरो एट इंफिनिटी, ठीक है, पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो माना है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द सेंटर। अरे दीप, सर्कल है, हर इक्वली स्पेस 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट डाल देते हैं, इधर ऐसे हो गया है ना, फिर ऐसे 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 बना लो 10, है ना, ऐसे बन गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बने, चलो 10 बना लेना ऐसे। अब v एट इंफिनिटी जीरो है ना, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हरेक के कारण v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होगा, एंड हरेक के कारण वो एड हो जाएगा, तो समेशन हो जाएगा, तो v जो है वो नॉन जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के कारण और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो कट जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा नेट सेंटर में, क्योंकि दे विल बी कैंसल्ड ड्यू टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन। ओके सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, अर्शित एट तो आई गेस मॉड्यूल का है ना, अनम्यूट करके पूछ, क्या डाउट है इसमें? एट्थ में मॉड्यूल, मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है यार, मुझे लग रहा है ये सर हुआ नहीं सर, क्या डाउट है इसमें, समझ आया तेरे को क्वेश्चन? समझ तो आ गया सर क्वेश्चन, मतलब आगे चल बता मेरे को क्या है इसमें, क्या सिनेरियो दे रखा है, फाइनल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की निकालनी है, क्या क्या करना चाहिए तेरे हिसाब से, कुछ बता मेरे को जितना समझ में आ रहा है। सर पहले तो टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे इन दोनों के कारण, अच्छा वो सर 3C आ जाएगी, तो इनिशियल कैपेसिटेंस ना, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी फाइंड कर लेना, या इनिशियल एनर्जी और बाद में लॉस इन एनर्जी डेल्टा एच निकाल ले, दोनों को माइनस कर दे, वैसे कर ले। देख दो कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड टू अ बैटरी, सी वाले सी का वी पोटेंशियल है, 2C का 2V है, इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू 2C इंटू 4V स्क्वायर, तो टोटल कितनी हो गई है? आधा, और ये कितना हो गया? 4, विच इज 9/2 CV स्क्वायर टोटल हो गई। अब इनको हमने पैरेलल में लगाया सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर, उस केस में डेल्टा एच का फॉर्मूला बोल जरा अर्शद, क्या होगा अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं? हाफ जो टोटल कैपेसिटेंस इनटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, हाफ इनटू टोटल कैपेसिटेंस,
हाँ सर टोटल कैपेसिटेंस ही होगी, टोटल कैपेसिटेंस क्या, सीरीज वाली पैरेलल वाली? नहीं पैरेलल वाली जो अभी कनेक्ट की है। हाफ सी वन सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू। पर सर ये तो सीरीज वाली नहीं होती। अरे यार फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है इसका, मैथमेटिकली डेरिवेशन की हुई है। सीरीज पैरेलल को छोड़ देना, हमने दो तरीके इसके दो केस किए हुए हैं, एक को पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ा है, दोनों का केसेस का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया नहीं किया। सर पर जो हमने किया उसमें तो सीरीज वाला है ना, तो मतलब टोटल अरे सीरीज कैपेसिटेंस। पैरेलल का फंडा नहीं होता यहाँ पे, दो ठीक है अगर सर, दो कैपेसिटर को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें सीरीज पैरेलल का फंडा नहीं होता। सीरीज में कहने का मतलब बस इतना है कि जितना चार्ज इसमें से घुसेगा उतना इसमें से जाएगा, बस सीरीज में करंट सेम होता है, बस इतना कहने का फंडा है कि चार्ज ट्रेवल्ड थ्रू बोथ दी कैपेसिटर्स वुड बी सेम, चार्ज ट्रांसफर थ्रू बोथ दी कैपेसिटर्स विल बी सेम, दैट्स इट। समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ, तो इसमें ये हाफ सी वन सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू इनटू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर, तो यहाँ से डेल्टा एच इन दोनों को माइनस कर देना, तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी, मतलब डेल्टा यू हमारे पास ये आ गया है, दिस इज डेल्टा यू बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट। नाइन, नाइन किसी ने गलत गलत किया? किस किस का सही है नाइन्थ उसमें पेपर में? ओके, बाकियों का बाद में हो गया। प्राची तुमने टेस्ट नहीं दिया क्यों? मुझे बात करना जरा क्लास के बाद, है ये जब डिस्कशन के बाद अनम्यूट करके। क्वेश्चन नंबर 10, इलेवन, इलेवेंथ क्वेश्चन ना, इलेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे एक बार। इट्स द एप्लीकेशन ऑफ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज जीरो, उस चीज की एप्लीकेशन है, तो इसको करते हैं एक बार डिटेल में करते हैं। ये चार्जेस जरा याद रखना, क्यू माइनस फाइव क्यू एंड 10 क्यू, हमें चार्ज कहाँ पे निकालना है? फाइनल चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेट सी। ओके, मेरे पास यहाँ पे देखो एक प्लेट, सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट, ऐसे तीन प्लेट्स दे रखी है मेरे पास और इन पे चार्जेस दे रखे हैं मेरे को कितने कितने। इस पे है क्यू, इस पे -5 क्यू, तीसरे पे कितना था? टेन। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसमें ना सारे प्लेट्स, ये देखो ये सारी, दीज आर मेटल कंडक्टर्स, दीज आर मेटल कंडक्टिंग प्लेट्स, हम इनकी चारों, हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जब हम ये कोई प्लेट अगर आइसोलेटेड है, ये जो मेटल कंडक्टर है मान लो ये वाला है, क्यू वाला है,
ये अगर आइसोलेटेड कंडीशन में पड़ा होगा तो इस पे चार्ज जो है वो क्यू रहेगा पूरी प्लेट पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं किसी और प्लेट के पास लेके आता हूं तो इसमें चार्जेस जो है इंडक्शन के कारण रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे हमने शेल्स में किया था, याद है आपको, Q1, Q2, Q3, Q4, वही सेम थ्योरी लगनी है इसमें, सेम थ्योरी लगनी है, बिल्कुल शेल थ्योरी लगनी है, ठीक है। कैसे? इसमें चार्जेस मान लो Q1, इस पे मान लो Q2, इस पे मान लो Q3, इस पे मान लो Q4, इस पे मान लो Q5, इस पे मान लो Q6। दीज आर दी चार्जेस ऑन दी इनर एंड दी आउटर, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ दी प्लेट्स, राइट। इस पे मान लेते पॉइंट ए है, ये मान लेते पॉइंट बी है, ये मान लेते पॉइंट सी है, विच आर दीज पॉइंट्स आर इनसाइड द मेटल कंडक्टिंग प्लेट्स, ओके, दीज मेटल कंडक्टर्स के अंदर के पॉइंट्स हैं ये। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, वी नो दैट। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए will be zero, electric field at B will be zero, and electric field will at C should be equal to zero, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पे माना हुआ है plus Q1, right? And what is the formula for electric field due to sheet? एक side को अगर, now one side will behave as a sheet, वो sheet के कारण electric field का formula क्या होता है? Electric field होता है sigma by 2 epsilon naught, ठीक है। सिग्मा को कम मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू बाय ए इंटू 2 epsilon naught, राइट। तो यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्योंकि सारी प्लेट्स का एरिया 2 and epsilon naught जो है वो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया क्यू के, राइट। चलो इतनी तो हमने थ्योरी कर ली अभी, अब हम इस पे एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते हैं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पहले सी पे जीरो करके इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 10Q वाली प्लेट पे पूछा है चार्ज Q1, Q5 एंड Q6, तो इसलिए C वाला कर रहा हूं मैं, बाकी भी ऐसे हो जाएंगे। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी के कारण ना, सी पे जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे, बच्चों बताओ किस किस के कारण होगा? Q1 के कारण किस तरफ होगा? सी पे Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, अंदर होगा, बाहर होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, इट विल बी टुवर्ड्स राइट। Q1 के कारण होगा राइट। राइट को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, राइट को पॉजिटिव ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे उल्टा भी ले सकते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मान लेना बस, साइन कन्वेंशन कुछ भी मान लो। राइट को जैसे हमने बाय डिफॉल्ट साइन कन्वेंशन है, राइट को पॉजिटिव मान लिया, तो क्या होगा? Q1 मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ, क्योंकि जीरो है ना सब कुछ, ये प्रोपोर्शनलिटी उधर जाके जीरो हो जानी है। लिखनी है लिख लो नीचे, चलो इनिशियली मैं लिख लेता हूँ, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2A epsilon naught, Q2 के कारण किधर होगा? राइट। अनम्यूट करो प्राची, और जिसको अनम्यूट होना है, 2-3 बच्चे अनम्यूट हो जाओ। Q2 के कारण किधर को होगा? राइट या लेफ्ट? ये भी प्लस ही है सर, राइट। सारे प्लस हैं, ये राइट पे होगा, राइट होगा, ठीक है। ये सारे हमने प्लस माने हुए हैं, ठीक है, ये भी राइट होगा, तो इसके कारण भी हम प्लस कर देंगे 2A epsilon naught। Q3 के कारण भी किस तरफ होगा? क्या? लेफ्ट। Q3 के कारण सी पे राइट। Q4 के कारण राइट। Q5 के कारण सी पे राइट ही होगा, राइट ही होगा, बिल्कुल। Q6 के कारण लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा, तो इसके कारण आ जाएगा माइनस Q6/2 epsilon naught = 0। इसको रीअरेंज करेंगे, 2 epsilon naught कटेगा हर जगह से, बचेगा क्या? Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 = Q6। What is Q1 + Q2? Q. Q.
What is Q3 plus Q4? Minus 5Q. Plus Q5 is equal to Q6. तो यहाँ से मेरे पास एक equation बन गई, which says Q5 minus Q6 is equal to 4Q. And we also know that Q5 plus Q6 is how much? 10Q. 10Q. दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स ऐड करेंगे तो मेरे पास Q5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7Q. सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 3Q. तो ऐसे मेरे पास Q5 और Q6 आ गया. चमका है एक को? यस सर. ठीक है. बीच में सर कुछ नेगेटिव चार्ज भी तो होंगी. कहां पे? मतलब कोई प्लेट तो बीच में से होगी ना सब. वो तो अपने आप आ जाएंगे. देखो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस चीज की. ये मैंने जो लेट, दीज आर वेरिएबल्स, दीज ऑल आर वेरिएबल्स. इन वेरिएबल्स के कारण मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया. कुछ जो वेरिएबल्स हैं वो मैंने पॉजिटिव मानने. कैलकुलेट करके अपने आप आएगा नेगेटिव जिसने आना होगा. ठीक है. तो साइंस की हमें पता है, हमें टेंशन लेने की पहले जरूरत नहीं पड़ती. तो ऐसे ही मेरे पास Q5 Q6 आ गया. ऐसे ही अगर तुमने Q3 Q4 निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B0 हो जाएगा इसके लिए. अगर यहाँ पे ये वाले निकालने हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A0 कर देना. वहां से Q1 Q2 आ जाएंगे. Q1 Q2 निकालने के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, A0 करेंगे, A पे 0 करेंगे. Q3 Q4 निकालने के लिए B पे 0 करेंगे. Q5 Q6 निकालने के लिए हमने C पे 0 किया. चमक गया? यस सर. चलो नोट हो गया? हाँ जी सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. हो गया सबका? 12 करवा दो सर. हैं? करवा दूं? अक्षत कह रहे हैं. यस सर. देखो अक्षत सर, वैसे 10-0 आना चाहिए. 10-0 आना चाहिए. अच्छा, जीरो पोटेंशियल कहाँ पे होता है? ग्राउंड पे? हाँ जी सर. ग्राउंड कहाँ है? अच्छा, तो N पे 0 है तो B पे अलग आएगा. यहाँ है 0 वोल्ट. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 है ना, कि इधर 10 और इधर 0 आएगा. ये कभी नहीं होता इधर 10 और इधर 0. ऐसा जरूरी कभी नहीं होता. जरूरी नहीं है, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जरूरी नहीं. पोटेंशियल डिफरेंस 0 आना ना, पोटेंशियल डिफरेंस 10 आना चाहिए बस. अब क्योंकि यहाँ पे 0 है. अच्छा, पहले तो ये देखते हैं कि हर एक कैपेसिटर कितना वोल्टेज खाएगा. 2.5. अब इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है. 7.5 और -2.5 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 10 वोल्ट्स का. 10 वोल्ट. राइट? ठीक है सर. चलो नेक्स्ट 13. सर 13 में ए ऑप्शन क्यों नहीं आएगी? An insulator plate is passed between the plates of the capacitor. ये पहले एंटर कर रही है प्लेट, बाद में निकलेगी. सर चाहे वो प्लेट एंटर करे, लीव करे, वो तो कैपेसिटेंस में फर्क पड़ेगा ना फिर. देख, जब एंटर कर रही है, केस वन एंटरिंग के केस में,
राइट, क्यू इज इक्वल टू सी वी, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, उसको छोड़ दो, बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड, तो पोटेंशियल तो कॉन्स्टेंट ही रहना है. जैसे जैसे अगर एंटर करेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होगा. अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है प्लेट्स पे, तो यहाँ पे चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है, इधर चार्ज माइनस क्यू है, इस पे चार्ज इंक्रीज होगा. तो अगर इंक्रीज हो रहा है चार्ज, तो चार्ज की जो डायरेक्शन है फ्लो करने की, वो ऐसे होगी, क्यों ऐसे होगी, इस तरफ से ऐसे ऐसे फ्लो करेगा. तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि चार्ज को इंक्रीज होना है. ठीक है, क्यू में सपोज क्यू और एड हो गया तो टू क्यू हो जाएगा, और इधर माइनस टू क्यू हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज होगा कैपेसिटर पे. सेकंड, जब प्लेट इज लीविंग, जब ये प्लेट इससे बाहर निकलेगी, अगेन क्यू इज इक्वल टू सी वी, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही होगी. अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है तो चार्ज भी डिक्रीज होना चाहिए. अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज कैसे डिक्रीज होगा, अगर चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा ऐसे, तभी डिक्रीज होगा चार्ज, तो इट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, हाँ कि ना? यस सर. प्राची, तुमने पेपर सॉल्व कर लिया? सर मैंने गर्फ, मेरी आईडी पे तो था नहीं, तो मैंने गर्फ की आईडी से खोल के, हाँ जी देखा था पेपर. देखा था, मतलब सॉल्व नहीं किया? फिर इसने फोन नहीं उठाया, लेट उठाया था, तो सारा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही करा है. अच्छा, गर फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है, अगर जब प्लेट एंटर करेगी, देख तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दे, कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, क्यू इक्वल टू सी वी. अगर चार्ज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वाली प्लेट और ज्यादा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वाली प्लेट और नेगेटिव होगी, तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर चार्ज यहां से ऐसे फ्लो करेगा इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर चार्ज फ्लो करेगा तो मतलब बी टू ए आना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ जी, ठीक है. नेक्स्ट, ये भी ऐसा डाउट, ये डाउट है क्यों भाई? सेवन कप जी, सात कैपेसिटर दे रखे हैं. सर, हाँ बोलो. स्टेडी स्टेट भी है तो फिर इतने सारे दिए तो सारी नहीं हट जाएंगे वैसे ओपन सर्किट? हाँ ऑब्वियसली, स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा जब सारे चार्ज हो गए, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है, उसने करंट थोड़ी पूछा है. जब ये चार्ज होना बंद हो गए, सब में चार्ज फुल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो वो तो होगा ही ना कुछ, तूने करंट निकाल दिया क्या? वही तो मैं सोच रहा क्या करना है, समझ नहीं आ रहा था फिर. अरे यार मतलब कुछ नहीं, सिंपल इसका बस वो सीरीज पैरेलल और फंडा लगा के चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सीरीज पैरेलल का फंडा लगा के. ठीक है, हाँ. फिफ्टीन तो नहीं होगा ना किसी का? क्वेश्चन नंबर 16. सेवनटीन, एटीन. सर 18 से डाउट है. 18th में क्या डाउट है? सर इसमें जो अर्थिंग की हुई है वो बिल्कुल सेंटर से की हुई है, तो इस पे चार्ज जीरो नहीं होगा? चार्ज जीरो होगा नहीं, क्योंकि सर एक वाली साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी पे पॉजिटिव, और अर्थिंग तो सर हमने सेंटर पे की है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव. यार उससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उस पे नेगेटिव को रिटेन करके रखेगा, खींच के रखेगा सर, ऐसा. ठीक है, जहां से मर्जी हो. अच्छा तेरे वाला मान लेते हैं बात, एक मिनट कर, मान लेते हैं चल चार्ज जीरो कर दिया, ठीक है मान लिया.
अब ये बात बता मेरे को, तेरे हिसाब से चार्ज जीरो और पोटेंशियल जीरो दोनों होने चाहिए? सर पोटेंशियल का पता नहीं सर, चार्ज तो जीरो होना चाहिए। पोटेंशियल तो बताना फिर, आंसर पूरा पूरा चाहिए मेरे को, आंसर का क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से? सर पोटेंशियल नहीं पता, जो अर्थ है वो तो पोटेंशियल जीरो ही होगा भाई। हाँ सर मतलब पोटेंशियल तो जीरो ही होगा, पोटेंशियल तो जीरो ही होगा, वो तो अर्थ है। ठीक है, तो अगर इस जहां पे ये लाल बिंदी घूम रही है अभी, ये इस पे अगर पोटेंशियल जीरो करना है तो इस पे नेट पोटेंशियल जो है वो जीरो होना चाहिए। अब नेट पोटेंशियल इस पे तभी जीरो होगा, मान ले ये बिल्कुल ये इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़ा है ना, तो इस प्लस चार्ज के कारण इस पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इस प्लस चार्ज के कारण डोम के कारण यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो करने के लिए इस पे खुद पे कुछ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी वो जीरो हो पाएगा उस पोटेंशियल। अदरवाइज नेगेटिव पोटेंशियल कहां से लेके आएगा टोटल पोटेंशियल को जीरो करने के लिए? ओके सर, गर्व क्वेश्चन नंबर 17, क्या हो गया गर्व तेरे को? आज सबसे आसान वाले डाउट गर्व पूछ रहा है। 2, 17 और 20 गलत करके आए। 2 कौन सा था? अच्छा ये भी, मैं पहले यहाँ पे टोकने वाला था तेरे को कि क्या हो गया तेरे को गर्व है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सब ठीक है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 18। अरे क्या मैं इसमें क्या बताऊं, मेरे को बताने में लज्जा आ रही है, बता है? सर ये इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढ रहा था। अबे यार गर्व देख तू ऐसे मत काम मत कर यार, है ये 10 और 10 पैरेलल में, 5, 5 और 10 15, 15 और 10 पैरेलल में है, तो 150 by 25 जितना भी हो गया 6 और 6 और ये 10 सीरीज में 16 और आर पैरेलल में, तो 16r/16+r+10 इज इक्वल टू 18। सर वो छोड़ो, अभी इसने फोन पे मेरा भी गलत करा दी था, 10+6 6 करी जा रहे थे हम फिर सोच रहे हैं आंसर गलत क्यों आ रहा है। 10+6 अच्छा 10+6 6 कर रहे हो तुम लोग। नहीं सर वो नहीं, ये दोनों 10 कैसे पैरेलल में हो गए, बिल्कुल राइट साइड वाले, बिल्कुल राइट साइड वाले। हाँ जो ये दोनों 10 है जिसको आपने पैरेलल में करा है, ये वाले नहीं नहीं इसके साथ वाले सर, ये थोड़ी दोनों पैरेलल में किए मैंने। अच्छा 10 और 10 5 हो गया ये? हाँ जी सर। 5 और 10 15 हो गया? हाँ जी। अब 15 और 10 पैरेलल में आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक रह गई रेजिस्टेंस, कौन सी? 15। अब तो लग रहे हैं ना 15 और 10 पैरेलल में। अच्छा 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 सर मैं तो कुछ और ही बना खड़ा था। इस हलवे को तूने क्या कॉम्प्लिकेट कर दिया है, हलवा क्वेश्चन है। सर मेरे को भी लगा ये लेफ्ट वाले 10 10 को पूछ रहा है, ये पैरेलल में कैसे हो गए। मैं सोचू क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसको, मैं कि तू छोड़। मुझे भी, मैं भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यही सोच रहा था, मैं क्या एक्सप्लेन करूं इसको, मतलब गर्व को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये। सर सच्ची में नहीं हुआ था सर, मैं ऐसा थोड़ी ना पूछूंगा। अरे वो तो ठीक है सच्ची में नहीं हुआ था, दिक्कत ये है कि तेरे से हुआ क्यों नहीं है, पता ये नहीं, दिक्कत सर। नहीं है, ये मेरे को डाउट नहीं है कि झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली टाइम थोड़ी पास कर रहे हैं हम, मैं तो सर सही में कुछ और बना खड़ा था। वो 15 मैंने R और 10 में लगा दी, फिर उसके बाद मैं व्हीटस्टोन ढूंढने लग गया। गर्व देख पता है क्या है, तू ना स्टेप बाय स्टेप, अगर ऐसे कंफ्यूजन होती है ना स्टेप बाय स्टेप बना लिया कर, इसके बाद एक और फोटो बना, इसके बाद फोटो बनाओ ना यार, आर यहाँ पे 10 गलत करने की बजाय थोड़ा 2 मिनट फालतू लग जाएंगे, 1 मिनट फालतू लग जाएगा इस पे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब ज्यादा बोल दिया मैंने, 30 सेकंड फालतू लग जाएंगे फोटो बनाने में। इस पे यहाँ पे 5 बना, यहाँ पे 10 बना,
अलग बना लेना एक फोटो ले। सर वैसे अगर मैं पेपर देती ना तो मेरा भी ये गलत होना था क्योंकि मैं 10+6 6 करी जा रही थी, फिर मैं सोच रही हूँ मेरा गलत कहाँ हो रहा है। अरे यार ऐसी गलतियां करोगे तो फिर 2 मिनट के लिए मेरे को भी डाउट पड़ा इसमें वीट स्टोन होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में पता क्या किया करो, ऐसे नहीं मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या किया करो, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, नहीं आ रहा ना आंसर उसको छोड़ दो, पीसीएम खत्म करने के बाद दोबारा उस क्वेश्चन पे आओ ठंडे दिमाग से। जब होता है हो जाता है, कई ह्यूमन टेंडेंसी है, कई बार दिमाग एक ही क्वेश्चन को हम बार बार ट्राई करते रहते हैं ना, नहीं होता कई बार, उसको छोड़ दो, लीव इट फॉर दैट टाइम, ठीक है, थोड़ा उससे ब्रेक लो फिर हो जाता है। आपने 18th क्वेश्चन स्किप कर दिया, हम 17 पे थे अभी तो बताया 18th 19th। अच्छा ठीक है 19th शिरवी, यू सीरियस शिरवी, अनम्यूट करना जरा, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन कंपेयर दी ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, बोलना जरा उसका क्या फॉर्मूला था शिरवी, कनेक्टेड, अरे कहाँ रह गई, भाग गई है शिरवी, कनेक्टेड है हो गया, वाह ठीक है, 20 ये पहले भी आया हुआ है शायद ना 20th, हाँ जी सर, हाँ तो फिर ये तो डाउट होगा नहीं, गर्ल का है, नहीं है सर नहीं है, गलत करके आया हूँ लेकिन मैं नहीं बता रहा दोबारा इसको, तुम लोग यार हदोगी यार, प्राची एंड दीप, नहीं नहीं मेरा नहीं है, मेरे को तो याद ही है इसका आंसर, पिछली बार गलत एक बार ट्राई करेगा तो दोबारा बाद में देखते हैं, चल इसको 21 क्या है ये पार्टिकल ऑफ मास, 21 है किसी का, मेरा है सर, 300 आ रहा है सर मेरा आंसर, सर 330 आ रहा है सर आंसर, 3-4 बार ट्राई आ रहा था मेरा नवयुष एंड अर्षित का है, पिछले टेस्ट में भी आया था शायद सर ऐसा सा कुछ। A particle of mass 2 ग्राम charge 1 micro is held at rest on a frictionless horizontal surface distance 1 meter from a fixed charge 1 millicoulomb, ये मिली और माइक्रो अलग अलग हैं, इतना तो देख लिया ना, यस सर ये तो देख लिया, ये तो सही है ठीक है, when released the particle gets repelled, speed of the particle when it is at a distance of 10 meters, इसमें यार सिंपल क्या लगाएंगे इसमें सर, वो पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे फोर्स से, F is equal to ma लगा के फिर p square minus q square, delta u is equal to delta k, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, हाँ लगा ये भी लगा सकते हैं, डेल्टा u मैग्नीट्यूड ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, k q1 q2 सेम है upon 1 by R1 minus 1 by R2. This is change in potential energy is equal to change in kinetic energy is half m V2 square, मतलब V square minus U square. U to 0 ही है. तो half m V square आ गया. कितना आ गया ये? 9 into 10 raised to power 9 into Q1 into Q2 10 raised to power minus 9 1 by R1 or R2 1 by 1 minus 1 by 10 is equal to half 2 into 10 raised to power minus 3 into V square. 2, 2 गया, ये गया. ये कितना है? 9 upon 10. 9 square upon 10 is equal to, ये 10 raised to power minus 3 इधर आएगा. नीचे आके 10 raised to power plus 3 हो जाएगा ना ये? हाँ जी सर. नहीं, इधर वाले नहीं, उसके नीचे, V square के नीचे सर. तो 9 square into 10 square is equal to V square. तो V कितना आ गया? 90. सर हम पहले acceleration find करके भी नहीं कर सकते? Acceleration constant होगी?
अच्छा ठीक है सर, नहीं सर कम होती रहेगी। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके भी तो निकाल सकते हैं फिर। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है भाई सिंपल से क्वेश्चन को? एक्सेलरेशन की पहले वो कैसे निकालेगा इक्वेशन, अगर निकाल भी ली चल फिर क्यों क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा है? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से वो तो रहा है। R को लिमिट ले लेंगे ना 1 से 10 R की, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगी। R के टर्म्स में पहले निकालनी पड़ेगी एक्सेलरेशन, निकल जाएगी वो तो सिंपल है फोर्स इज इक्वल टू एम ए करके। तो करके देख जरा उससे। छोड़ो सर रहने दो, फिर रहने दो। बाईस, तेईस, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, 10। हाँ भाई दीप क्या है 20th में? सर हाँ जिधर हो सी वाला पॉइंट है सर वो दस दो। केड़ा सी वाला पॉइंट? हाँ जी सर। ए एंड वी आर इन एट इक्विलिब्रियम क्या होता है जहाँ जहाँ पे? सर हो नेट जीरो है। फोर्स जीरो? हाँ जी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए? हाँ जी। एक साइड में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज पड़ा है। This is plus Q, this is minus Q. क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? नहीं सर, उधर मतलब हो सकता है। हो सकता है? कहाँ कहाँ? सर बीच में दोनों प्लस Q और माइनस Q के बीच में। हाँ। सर बीच के राइट में A के लेफ्ट में हो सकता है बस। हाँ। नहीं होगा ना बीच में? बीच में नहीं है। इक्विलिब्रियम का नहीं है? Yes. मतलब सीधा सा, अगर सीधा से फटाफट करना है इसको, ठीक है? अदरवाइज इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे इसकी स्लोप जीरो है। थोड़ा और टेक्निकल अगर घुसेंगे तो जहां पे स्लोप जीरो है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि फोर्स क्या होता है? माइनस du/dx है ना, और u को u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है v, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dv/dx बोल सकते हैं। ठीक है अगर ना ये दीप सर सी पॉइंट पे मतलब इक्विलिब्रियम के में सर वो समझ नहीं लगी। इक्विलिब्रियम नहीं है वो, कह रहा है ए एंड बी पॉइंट्स आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ए ते बी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। ही द ऑप्शन इज सेइंग दैट के दीस आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं है। सर सी पॉइंट है जेड़ा सर ओदा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा सी पॉइंट, ओहो सी पॉइंट, सॉरी सी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ इक्विलिब्रियम देखो स्लोप जीरो है ना इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल स्टेबल कैसे पता लगती है हमें? याद है कटोरी डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ डबल डिफरेंशिएट करके, अदरवाइज हम लोगों को याद है। यस सर कटोरी, ये कौन सा, दिस इज अनस्टेबल, ये कौन सा होता है अनस्टेबल, ये कौन सा होता है वो मतलब जो कुछ नहीं होता जो बीच वाला न्यूट्रल। हाँ ये चीजें, हाँ न्यूट्रल, तो ये चीजें जो हैं दीज आर फॉर यूएक्स ग्राफ, और यूएक्स ग्राफ बना लो चाहे वीएक्स ग्राफ बना लो सेम ही होगा, क्योंकि यू का फॉर्मूला होता है के क्यू क्यू बाय आर, और वी होता है के क्यू बाय आर, तो सिर्फ क्यू का ही फर्क है, तो हम बोल सकते हैं यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है तो सेम ही नेचर आएगी, जहां पे उल्टी कटोरी पड़ी होगी ये उल्टी कटोरी है, दिस इज अनस्टेबल, कहीं पे ग्राफ ऐसा आता तो वो स्टेबल होता। ठीक है दीप? हाँ जी सर। ठीक है ओके नेक्स्ट। गर्व ऑर्गेनिक? नहीं भाई ऑर्गेनिक नहीं याद मेरे को, मेरे को यार बिल्कुल याद नहीं, भूल गया मैं। आपकी अच्छी थी ऑर्गेनिक? मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी सर, एक बार ट्राई करके देख लो। अरे यार पता है बहुत टाइम हो गया, 15 साल
हुए। चलो सर रिकॉर्डिंग बंद करके ट्राई कर लेते हैं। मेरे को नहीं याद बिल्कुल भी, जितना मर्जी ट्राई कर लूं बेसिक्स ही भूल गया मैं तो इसके। वैसे रिकॉर्डिंग तो बंद कर देते हैं अभी।